किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवररीच नहीं होना चाहिए, किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि ये जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रेरोगेटिव ही नहीं है। प्रेरोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड, दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। मूविंग ऑन, सो ये बिल्कुल वाजे हो गई बात कि ये कुछ ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए वाजे करना चाहता हूँ इस ऑडियंस को कि इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, इस जजमेंट को भी हम देखेंगे। एंड आई एश्योर यू एज फार एज विद इन माई पावर्स आई विल मेक श्योर दैट दिस जजमेंट इज इंप्लीमेंटेड इन लिटरल स्पिरिट एंड वी टेक इट टू इट्स फाइनल कंक्लूजन। Now, I just want to talk about a little something else also. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी, और दो ढाई घंटे आपने मुझे बावर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी इंशाल्लाह।